घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है संगीत प्रभा वर्ल्ड में आपका। जैसा कि आपने टाइटल देखा, लेसन वन, क्योंकि आप अगर संगीत प्रभा वर्ल्ड से पहले से भी जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि लेसन तो हम सारे पहले ही दे चुके हैं। फिर ये लेसन वन में क्या खास बात है, क्या ऐसी नई चीज हम देने जा रहे हैं जो हमने दोबारा से इस सीरीज को एक लेसन वन करके टाइटल दिया है। सो बेसिकली मैं इसमें आपको एक अलंकार, जो पहला अलंकार आप सभी जानते हैं, उसी को बताऊंगा, या मैं आपको सातों अलंकार बता देता हूँ, चलिए ये ज्यादा बेटर होगा। जो सात बेसिक अलंकार होते हैं, सारे गम पद नि सा निध मगरे सा, फिर इसको डबल करते हुए सा सा रे रे ग ग, डबल स्पीड नहीं, डबल अलंकार हुआ है, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। लगातार स्क्रीन पे आ ही रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये पूरा पेज आपको आता भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सब सिखाते हैं इसको, लेकिन मैं आपको इसको अलग अंदाज में अभी कुछ बताऊंगा फिंगर्स पर ध्यान देते हुए। इस एपिसोड में हम सिर्फ पहली काली से सीखेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट जो हमने वीडियोस का शुरू कर दिया है कि एक दिन छोड़ के हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो अब ये समझ लीजिए 3-4 दिन छोड़ के आपको ये एक एक करके लेसन मिलने वाले हैं 12 स्केल से, है ना। जैसे कि आज मैं पहली काली से सिखाऊंगा, फिर कल कोई वीडियो नहीं आएगा, परसों आएगा कोई गाना या ऐसा कोई सॉन्ग आएगा, और उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, और उसके अगले दिन एक और लेसन आएगा जो यही लेसन होगा। तो आपको इंतजार करना है और उसका अभ्यास करना है कम से कम 4-5 दिन तक, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा काम देने जा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि एक ही अलंकार करना है, हम 7 अलंकार करेंगे। वैसे तो बहुत सारे अलंकार करने चाहिए आपको हाथ में स्पीड और परफेक्शन लाने के लिए, मगर फिर भी शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए एपिसोड को 7 अलंकार मैं आपको वही वाले सिखाने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर मैंने 2 अलंकार तक बता दिया, तीसरा आप सब जानते हैं सारे ग, 3-3 के पेयर बनाएंगे अब हम 7। आप वन काउंटिंग में अगर इसको समझ लो तो आसान रहेगा समझना, वरना रटना पड़ेगा। कभी भी उनको समझ लोगे तो बिना देखे आप गा पाओगे सरगमों को, वरना आप क्या होता है, आप सोचते हो कि सरगम क्या बोलनी है, पहले बजा के देखते हो, अच्छा सारे गम प गम रे सा, ठीक है, फिर उसको बजाए, फिर बोला, इंस्टेंटली वो सरगम निकलेगी अगर वो प्रैक्टिस होगी, जबान पे होगी, आपके जबान में होगी, क्योंकि बोलते रहोगे ना बार बार उसे, प्रैक्टिस करते रहोगे। सो तीसरा अलंकार है, पैटर्न बनाइए, 3-3 consecutively जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, 3-3 के पैर बनाइए, 1 2 3, फिर 2 से 3 के पैर बनाइए, 1 2 3, फिर 3 से 1 2 3 के, 1 2 3, ऐसे करके हम जाएंगे तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8, अपनी कॉपी में 8 तक की गिनती लिखिए और 3-3 की पेयरिंग करिए, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे जा रहा है। 1 2 3, फिर 2 से 3 की पेयरिंग करिए, 2 3 4, 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 6 7 8, ये लास्ट हो गया, फिर उल्टा आइए 8 7 6 7 6 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1, फिर ऐसे ही करके हमको 4 का पेयरिंग बनाना, तो ऐसे करके हम 7 तक जा सकते हैं मिनिमम, क्योंकि उसके बाद तो 8वां सेम ही हो जाएगा, 4था हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 5, है ना। तो ये आप अभी नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और पेयरिंग बना लीजिए, और 7 अलंकार आपके सामने होंगे, सारे गम पद अनिसा से लेकर सारे गम पद अनि रे गम पद अनिसा, ये लास्ट बन जाएगा, ठीक है। आइए अब हम इसे देखते हैं विद फिंगर पैटर्न, पहली काली से हम इसको देखने जाएंगे, और इसमें हम देखेंगे इसको बिलावल थाट में। सबसे पहले हम 7 अलंकार देख लेते हैं, क्या फिंगर्स जाती है, फिंगर पोजिशन और हैंड हमेशा याद रखिए, उंगलियां ऐसी टेढ़ी एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हाथ ऐसा हो मुड़ा हुआ हल्का सा, जैसा कि हमारा नेचुरल भी हाथ रहता है, ये हड्डियों का पूरा प्रयोग है, ये जो जॉइंट्स हैं, हल्का सा ऐसा नेचुरल अपना हाथ यहाँ रखा, और ये भी जो आपका हाथ है पूरा वो भी ऐसा रखा हुआ है। और हम शुरू करेंगे तो सा पर लगाएंगे हम पहली फिंगर, पहली उंगली लगाएंगे, और फिर हाथ को हल्का सा उठा के रे पे दूसरी उंगली लगाएंगे, फिर उठा के ग पे अंगूठा, उठा के म पे पहली, प पे दूसरी, ध पे तीसरी, नी पे अंगूठा, सा पे पहली, ऐसे ही रिटर्न आएंगे, सा पे पहली, नी पे अंगूठा, ध पे तीसरी, प पे दूसरी, म पे पहली, ग पे अंगूठा, रे पे दूसरी, सा पे पहली। तो ये हो गया हमारा पहला अलंकार, ठीक है, सारे गम पद नि सा। हाथ उठा उठा के जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे ही आपको भी लगाना है, ठीक है, ये हो गया पहला अलंकार। दूसरा अलंकार देख लीजिए, 2-2 की पेयरिंग जा रही है, तो फिंगर इसमें सेम ही लगेगी, पहली दूसरी अंगूठा, पहली दूसरी तीसरी अंगूठा, पहली पहली अंगूठा, तीसरी दूसरी, पहली अंगूठा, दूसरी
पहली। अब हम तीसरे अलंकार पे जाएंगे, तीन तीन के पेयरिंग। यहां पर फिंगर्स वही रहेंगी, उन स्वर पे वही वही फिंगर्स लगेंगी जो पहले और दूसरे में लगी थी, ठीक है। तीन के पेयरिंग, पहली दूसरी अंगूठा, दूसरी अंगूठा पहली। यहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है, यहां पे आप सारे ग रे ग म कर देते हो, रे पे पहली लगा देते हो, लेकिन हम दूसरी लगाएंगे ताकि एक हाथ फ्लो में चले। जब फ्लो में चलने लगेगा ना तो हाथ कभी भी फंसता नहीं है, बजाते कुछ भी बजाओगे हाथ फंसेगा नहीं, हमेशा एडजस्टमेंट उंगलियों को समझ आ जाएगा कि स्वरों में कैसे करना है। पहली दूसरी अंगूठा, दूसरी अंगूठा पहली, अंगूठा पहली दूसरी, पहली दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी अंगूठा, तीसरी अंगूठा पहली। इन्हीं उंगलियों से वापस आइए, सा नी ध, यानी पहली दूसरी, पहली अंगूठा तीसरी दूसरी, तीसरी दूसरी पहली, दूसरी पहली अंगूठा, पहली अंगूठा दूसरी और पहली। अब अगर इन्हें हम शॉर्ट में नाम दे दें, जैसा कि स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो इसको मैंने टी नाम दिया है, टी फॉर थंब, एंड 1 2 3 4 नाम दिया है, तो अलंकार के साथ उनकी जो उंगलियां भी लिखी आ रही हैं, तो आपको आसानी होगी वो बजाने में। तीसरा अलंकार हो गया, अब हम चौथा अलंकार देखते हैं। दूसरी उंगली का प्रयोग है यहाँ पे, माँ पे है ना, जैसे 1 2 T 2, 1 T 1 2, ये हो गया रेगा मापा, फिर गमा पधा में जाइए, गमा पधा यानी थम, थम हो गया टी, 1 2 3, 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके 2 3 अंगूठा यानी टी 1 भी कर सकते हैं, और म प ध नी पे आप थम भी लगा के, और प पे प ध नी सा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। रिवर्स आइए, सा नी ध प, अब सा नी ध प नहीं करेंगे हम बजाए, क्योंकि ताकि हाथ ये खींचे ना यहाँ पे उंगली और नस, और इसको इसका प्रयोग करेंगे, सा नी ध प, नी ध प म, ध प म ग, प म ग रे, म ग रे सा। पांचवा अलंकार देख लीजिए, सा रे ग म प, रे ग म प ध, ग म प ध नी, म प ध नी सा, सा नी ध प म। फिंगर आपके सामने आती जा रही है, लिखी हुई भी है, तो उनको नोट करते रहिए, ध प म ग रे, प म ग रे सा। अब हम छठे पे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं सातवें पर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आठवें पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपने आठवां अलंकार देख ली, यानी सात का पैटर्न है और आठवां तो सेम ही रहता है। अब अगला थाट मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि ये शॉर्ट शॉर्ट लेसन्स हो जाएंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी, तो आपको बजाने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी कि ये सात अलंकार अलग अलग थाटों में अलग अलग स्केल से कैसे बजाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें अभ्यास भी करना होगा आपको। अगर मैं सारा एक साथ बता देता हूं तो अभ्यास नहीं कर पाओगे। अभी भी ये जो सातों अलंकार दिए हैं, ये भी नहीं कि एक बार में अभ्यास हो जाएंगे, एक एक करके करना है इन्हें, थोड़ा थोड़ा करते हुए, आपके ऊपर है। देखिए, ये सवाल आपका जो आता है ना, ये नहीं आना चाहिए कि एक लेसन को कब तक अभ्यास करें, आपके ऊपर है। जब आपको लग जाए कि हाँ मैं बिना देखे बजा सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली स्पीड में बजा सकता हूँ, बिना भूले बजा सकता हूँ, मतलब आपको वो लेसन आ गया है, अब आप नेक्स्ट लेसन पर मूव कर सकते हैं, अगला लेसन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसके लेसन नंबर 2 में, जिसमें आपको जानने को मिलेगा पहली काली यानी कि सी शार्प से थाट भैरवी में कैसे बजाएं ये सातों अलंकार।